हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? आई होप ऑल आर सेफ एट होम और एट वर्क प्लेस ऑल्सो, वेर एवर दे आर वर्किंग, एंड ऑल आर विद देयर फैमिलीज एंड रिलेटिव्स. सब लोग अपने अपने फैमिली और रिलेटिव्स की और पहले खुद की अच्छी केयर ले रहे हैं. तो मैं गिरीश छत्रे, आइए आप सभी का फिर से इस ट्यूटोरियल के एपिसोड में हार्दिक स्वागत करता हूँ. दोस्तों, हम लोग इस सीरियल में अच्छे अच्छे गाने सीख रहे हैं. लास्ट 3-4 दिन में हमने बहुत सा अच्छा अभ्यास किया रहेगा. और दोस्तों, ये गाने हम लोग नए नए कर रहे हैं अब, ताकि आपका पैशन हम लोग अभी पूरा कर सके. इस लॉकडाउन अनलॉक के झंझट में अपने पैशन के लिए हमें टाइम निकालना मेरे हिसाब से थोड़ा आसान हो गया है. तो अपने पैशन के लिए टाइम निकालिए, नए नए गाने सीखिए, नए नए कुछ और कुछ आपकी पैशन है तो पैशन पूरी करने के लिए टाइम दीजिए. वंस द रूटीन स्टार्ट्स देन ऑल दिस विल नॉट बी एबल टू डिवोट टाइम. तो अच्छे अच्छे गाने सीखिए, अच्छे अच्छे अपने पैशन. किसी को हॉबी है पेंटिंग की, किसी को हॉबी है गाने की, किसी को हॉबी है कुकिंग की, तो अपने अपने हॉबीज़ के लिए टाइम दीजिए. और वैसे ही अपना चैनल के लिए नए नए गानों के फीडबैक भी देते जाइए. आप कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको कौन से गाने सीखना पसंद है, ताकि मैं उसके हिसाब से नए नए एपिसोड बना सकूं. वैसे ही ये लिंक आप अपने रिलेटिव्स दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, और चैनल ग्रो होने में भी मदद कीजिए, और ताकि उनका भी पैशन कुछ रहे तो वो भी टाइम डिवोट करके नए नए गाने सीख सके, नया कुछ वैल्यू एडिशन कर सके. तो दोस्तों, लास्ट टाइम हमने देखा था बहार ओ फूल बरसा हो गाना, जो कि काफ़ी रोमांटिक ओल्ड हिट सॉन्ग है. अभी हम कर रहे हैं ऐसे ही आपके फीडबैक और कमेंट में से आया हुआ एक गाना. तो चलिए दोस्तों, आज कुछ नया देखते हैं, कुछ नया सीखते हैं. आइए दोस्तों, आज हम ऐसे ही एक जुना ओल्ड हिट गाना करने वाले हैं, जो देवानंद साहब के ऊपर फिल्माया गया है. बहुत ही अच्छा गाना है, रफ़ी साहब ने गाया हुआ. ऐसे ही आपके बहुत सारे कमेंट्स आए थे, उसमें से ही मैंने मैक्सिमम कमेंट्स और सजेशंस के हिसाब से ये गाना लिया है. द सॉन्ग इज़ अभी ना जाओ छोड़कर. तो चलिए गाने की शुरुआत करते हैं. ये गाना है काली दो में, हम लोग काली दो में करने वाले ये गाना. काली दो मतलब ये हो गया काली दो. तो चलिए पहले सरगम देखते हैं. सा रे ग म प ध नी और सा. इस गाने में बीच बीच में दोनों निषाद भी लगते हैं, कभी कोमल निषाद भी लगते हैं, शुद्ध निषाद भी लगता है. तो ये है, और मध्यम भी तीव्र भी लग रहा है. तो म और नी दोनों लग रहे हैं बीच बीच में गाने में. तो चलिए देखते हैं गाना कैसे शुरुआत हो रहा है. अभी ना जाओ छोड़कर, ये दिल अभी भरा नहीं. चालू होता है गाना ग से. अभी दोनों मध्यम लगते हैं. अभी ये कैसा आएगा? रे रे प म ध प म, ये ध का टच लेके करना है गाना. अभी भ अभी रे रे प म प म भरा बिना जाओ छोड़ के, ये दिल ने अभी भरा है. यही लाइन रिपीट होती है वापस 2 बार, ये लाइन बाद में म्यूजिक और फिर अंतरा. अंतरा है एक्चुअली, गाना बहुत बड़ा है तो हम लोग पूरा गाना एक साथ नहीं करेंगे, हम लोग एक एक अंतरा करेंगे. टाइम मिले तो दूसरा अंतरा भी करेंगे, बट लेट अस होप एक अंतरा हम बहुत फास्ट कर सके फटाफट. तो चलिए अंतरा शुरू करते हैं. अभी अभी तो आई हो, वापस गंधार से चालू होते हैं, ग से चालू होते हैं. अभी अभी तो आई हो, ग म ग प म ग.
बहार बन के छाई हो, बहार बहार मरे गरे ग बहार मरे गरे ग। ये थोड़ा थोड़ा सा गाना कॉम्प्लिकेटेड है, सुर भी कॉम्प्लिकेटेड है, बट मैं इसके लिए बहुत ही धीरे धीरे एक एक वर्ड दिखा रहा हूँ आपको। बहार मरे गरे ग बन के मग प छाई हो, मग प मग ये इतना होने के बाद में म्यूजिक है, बाद में हवा जरा महक करे, हवा सागर एक्चुअली। इसमें कैसा है, आगे का जो लाइन है हवा जरा महक तो दे, उसमें टच है, और वो टच नहीं बजा के भी मैं दोनों तरह से बजा के दिखाता हूँ आपको। हवा जरा जरा ग पगनी ऐसा आएगा, ये ऐसा चलेगा, अदरवाइज हवा जरा जरा डायरेक्ट ग से नहीं जा सकते आप, ठीक है? तो मैं लिख के देता हूँ विद टच, हवा जरा मगनी महक तो दे, धप मग देखिए, हवा जरा धप मग महक तो दे, नजर जरा बहक मरे गरे। वापस रिपीट है पहली वाली लाइन जैसी वैसी, नजर मरे गरे जरा ग मग प मग प मग बहक तो दे, बाद में ये शाम ढल तो दे जरा, ये शाम ये म आया इधर मध, ये कोमल निषाद भी आया, निधसा ये शाम ढल तो मध धनी दसा ले जरा, ले जरा निधसा निध, समझ में आई लाइन, ये शाम ये दिल संभल तो रहे जा, वो भी सेम है। इसके बीच में एक्चुअली एक बार पॉज है और फिर म्यूजिक होने के बाद वापस गाना है, बट मैं वो एक ही बार दिखा रहा हूँ। ये दिल नींद पा, ये दिल संभल धनी धा नींद पा धनी धा तो ले थोड़ी देर जी तो लू, नशे की घूट पी तो लू, मैं थोड़ी देर गगम पदनी सानी, थोड़ी देर पी जी पद, ये देखिए यहाँ पे कोमल देवत आया, कोमल दो, मैं थोड़ी देर जी तो लूं पद पमग, वापस नशे के घूट पी लूं सेम है, नशे के मरे गरे ग घूट मग प तो लू मग पर।
आगे की लाइन अभी तो कुछ कहा नहीं, अभी तो कुछ सुना नहीं, ये म से चालू होती है। अभी तो माँ पानिनी, अभी तो कुछ सानी, ठीक है देखिए, अभी तो कुछ माँ पानिनी सानी, कहा नहीं, यहाँ पे कोमल निशा आया, साधनी बोलनी अभी तो मगरेगा कुछ मग, अभी तो कुछ मगरेगा मग सुना नहीं, पग मरे सा, ठीक है लास्ट लाइन ऐसी आएगी, कुछ मग सुना नहीं, पग मरे सा। इसके बाद वापस अभी ना जाओ छोड़ कर आता है, फिर म्यूजिक आता है। हम मेरे हिसाब से आज हम एक ही स्टंजा करेंगे क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और दूसरा स्टंजा कल करेंगे। तो आज इतने पे ही हम लोग इतनी ही प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही हेवी हो जाएगा नहीं तो डोज। आप ज़रूर मुझे फीडबैक दीजिए आपको कैसा लगा, और क्या और गाने आपके कौन से चाहिए। और हाँ दोस्तों, अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नीचे जो बेल आइकॉन दिया गया है वो बेल आइकॉन भी दबाइए, ताकि जैसे ही मैं नए एपिसोड अपलोड करूँ आप तक पहुँच सके। और दोस्तों, ये चैनल ग्रो होने में आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्हें गाना सीखना है, जिनका पैशन फॉलो करना है, जिन्हें अभी टाइम है पैशन फॉलो करने के लिए, जो देख सकते हैं अपने वीडियो और फॉलो कर सकते हैं, तो ज़रूर ज़रूर उनके उन तक ये वीडियो पहुंचाएं और चैनल फटाफट ग्रो कीजिए। तो चलिए फटाफट ये लिंक शेयर कीजिए। तो और दोस्तों, अगले एपिसोड में हम लोग फिर मिलेंगे, हमसे जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।